बहुत पहले की बात है, एक बार एक राजा अपने तलवार की सफाई कर रहे थे, लेकिन वो तलवार सफाई करते करते महाराज का एक उंगली बुरी तरीके से कट गया था। वो राजा तब बहुत ज्यादा दर्द से पीड़ित था, लेकिन उस वक्त उनके मंत्री ने कहा था, महाराज भगवान जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। लेकिन तब मंत्री महोदय की ये सारी बातें सुनने के बाद वो राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। तब महाराज गुस्से से लाल होकर कहे थे, महामंत्री आपकी इतनी बड़ी दुस्साहस, मेरी उंगली कट गई है और आप कह रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो भले के लिए ही करते हैं। तब महामंत्री ने फिर से कहा था, हाँ महाराज जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। तब महाराज ने गुस्से में महामंत्री को कारागार में डाल दिया था। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद महाराज ने जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन वो जंगल बहुत ज्यादा घना था और महाराज बाकी सेना से बिल्कुल ही अलग हो गए थे। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जंगल के कुछ आदिवासी राजा को पकड़कर बलि देने के लिए मंदिर के पास ले गए थे। वो लोग राजा को बस बलि देने ही जा रहे थे, लेकिन उन्हीं आदिवासियों में से एक ने उनके एक कटे हुए उंगली को देखकर बलि ना देने के बारे में कहे थे, क्योंकि उन आदिवासियों के अंदर ये नियम था कि किसी भी अपूर्ण व्यक्ति की बलि नहीं दिया जा सकता है। तब राजा अपने राज्य में लौट आया था और उसे अपने गलती का एहसास भी हुआ था और उसने सोचा कि महामंत्री ने तो सही ही कहा था। तब उसने महामंत्री को कारागार से बाहर निकाल दिया था और उसे सारी बातें कह दिया था। तब ये सब सुनकर महामंत्री ने कहा था, मैंने तो आपको पहले ही कहा था महाराज, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो भले के लिए ही तो करते हैं। तब महाराज ने कहा था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, मुझे ये तो समझ आ गया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था, लेकिन तुम्हें तो खामोखा इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ ना। लेकिन तब महामंत्री ने कहा था, नहीं महाराज मेरे साथ तो और भी ज्यादा अच्छा हुआ। तब महाराज ने आश्चर्य होकर पूछा था, अरे ये तुम क्या कह रहे हो। तब उस महामंत्री ने कहा था, महाराज अगर आप मुझे कैद नहीं करते तो फिर तो मुझे भी शिकार करने के लिए आप ही के साथ जंगल जाना पड़ता था और वो आदिवासी आपको तो छोड़ देते क्योंकि आपकी उंगली कटी हुई थी, पर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और मेरी बलि चढ़ा देते, और इसीलिए ही भगवान जो कुछ भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। हमारे जिंदगी में जैसे अच्छे वक्त आते हैं वैसे ही बुरे वक्त भी आते हैं, लेकिन हम लोग अपने बुरे वक्त में बस यही सोचते रहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर असल में समय अच्छा हो या फिर बुरा, भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप भी समझ जाएंगे कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, और इसीलिए ईश्वर पर जरूर भरोसा रखिए। दोस्तों अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट पे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे।